हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। इससे पहले हमने ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा एंड ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन का स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। तो टॉपिक में आने से पहले मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बता देती हूँ कि रेप्टाइल्स के अंतर्गत कौन कौन से एनिमल आते हैं। तो रेप्टाइल्स के अंतर्गत वे एनिमल आते हैं जो रेंग कर चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सांप, लिजर्ड, कछुआ इत्यादि एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि ऐसे सभी एनिमल्स जो रेंग कर चलते हैं वे सभी रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सिनॉप्सिस देख लेते हैं। तो सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लास रेप्टिलिया, स्ट्रक्चर, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियन कैरेक्टर्स इन सीमोरिया, रेप्टाइल्स कैरेक्टर इन सीमोरिया, एडेप्टिव रेडिएशंस, रेडिएशन इन मीजोजोइक एरा, कंक्लूजन एंड रिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है रेप्टिलिया वर्ड लैटिन भाषा से ओरिजिनेट हुई है। यह लैटिन के एक शब्द रेप्टम से बना है जिसका अर्थ होता है टू क्रीप, यानी रेंग कर चलने वाले जंतु को इसके अंतर्गत आती है या इसके अंतर्गत रखा गया है। इसे हिंदी में सरीसृप कहते हैं। लगभग 7,000 जातियाँ हैं जो जीवित हैं और रेप्टिलिया में आते हैं, और इसकी कई जातियाँ थी जो विलुप्त हो चुकी है। अगर हम रेप्टाइल के अध्ययन को देखें तो बायोलॉजी में एक ब्रांच इसके लिए बनाई गई है जिसमें केवल रेप्टाइल्स का अलग से स्टडी किया जाता है, जिसे हर्पेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी कि हर्पेटोलॉजी में केवल रेप्टाइल्स का स्टडी किया जाता है। हिंदी में इसे सरीसृप विज्ञान बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मीजोजोई कीरा है इसमें सबसे ज़्यादा रेप्टाइल्स सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुए हैं। उस समय पृथ्वी पर डायनासोर जैसे विशाल रेप्टाइल्स पाए जाते थे, इसलिए इस काल को रेप्टाइल्स का स्वर्णकाल या गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड वाले एनिमल होते हैं। यह भूमि पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। सेकेंड देखते हैं डेफिनेशन। रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड हवा में सांस लेने वाले कशेरुकियों जैसे सांप, छिपकली, कछुए और मगरमच्छ के समूह में आते हैं। रेप्टाइल का मेन कैरेक्टर यह है कि ये रेंग कर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लास रेप्टिलिया का जनरल कैरेक्टर्स। तो इसमें हम मोस्टली रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि ज़मीन पर पाए जाते हैं तथा कुछ पानी में भी पाए जाते हैं। सेकेंड है कार्निवोरस होते हैं, यानी कि मांसाहारी होते हैं। इनकी बॉडी चार भागों में बटी होती है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। लिम्ब्स टू पेयर में होते हैं जिन्हें हम फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब बोलते हैं। दोनों लिम्ब में पांच पांच उंगलियां पाई जाती हैं। इसमें नाखून भी पाए जाएंगी। कुछ लिम्बलेंस भी होते हैं जैसे कि स्नैक। इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं तथा सिल पाई जाती है। डायग्राम में देखिए छोटे छोटे जो सांप के बॉडी में जाल जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है उसे हम सेल बोलते हैं। बॉडी में क्लोइका पाई जाती है। क्लोइका एक छेद होता है इनके बॉडी में। यह एक ऐसी छिद्र होती है जिसमें तीन तंत्र खुलते हैं, पाचन तंत्र का अंतिम सिरा, जनन तंत्र का अंतिम सिरा तथा उत्सर्जन तंत्र का अंतिम सिरा। ये तीनों की एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे क्लोइका कहा जाता है। रेस्पायरेशन के लिए लंग्स पाई जाती है जिससे ये जीवन भर श्वसन करते हैं। हार्ट तीन चैम्बर में मिलकर बना होता है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में ये जो लाइन है ये पूरी तरह से, यानी कि ये लाइन के बीच में गैप है, इसलिए ये तीन चैम्बर में बटा है। अगर ये गैप जुड़ जाता तो ये चार चैम्बर में हो जाता। तो हार्ट तीन चैम्बर से मिलकर बना होता है। फिर आरबीसी अंडाकार होती है, ओवल शेप्ड तथा केंद्रक पाया जाता है। इनकी आरबीसी ओवल शेप्ड होती है। इसमें एक्स क्रिएशन करने के लिए किरणी पाई जाती है। ये एनिमल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं, इसलिए इसे यूरिकोटेलिक भी कहते हैं। ब्रेन डेवलप्ड होता है। ईयर पूर्ण विकसित नहीं होती है। ईयर के का काम टेम्पेनम पाई जाती है जो करती है। ये यूनिसेक्सुअल होती है, अलग अलग बॉडी में होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें पेरेंटल केयर नहीं होती है। कभी कभी अपने ही अंडे खा जाते हैं, यानी कि इनमें मदर इनके मदर में अपने बच्चों के प्रति
पेरेंटल केयर नहीं होती है। कभी कभी ये खुद के बच्चे भी खा जाते हैं। ये अपनी बॉडी के ताप को नियंत्रित नहीं कर पाती, इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड वाली होती है। ये हाउस लिजर्ड का स्ट्रक्चर है। इसका बॉडी तीन पार्ट में पाया जाता है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। इसमें फोर लिम्ब पाए जाते हैं और हाइंड लिम्ब पाए जाते हैं। और इसमें हेड पाया जाता है और नोस्ट्रिल भी पाया जाता है, माउथ भी पाया जाता है और पूंछ पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग इसका बना लीजिएगा। यहाँ से हम लोग का अब मेन पॉइंट स्टार्ट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। जैसा कि आप हम ये जानते हैं कि टेट्रापोडा में चार क्लासेस पाई जाती है, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एवीज और मैमल्स, जिससे हमने एम्फीबिया के ओरिजिन का स्टडी किया था। इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि जो रेप्टाइल्स थे वे वातावरण के चेंजेस के कारण जल से थल की ओर या ज़मीन की ओर आए होंगे। कुछ न कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में परिवर्तन तो हुआ होगा ना कि ये जल से ज़मीन की ओर आए होंगे। उन्हें ज़मीन में रहने के लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो जब वे जल से ज़मीन की ओर आए होंगे तो कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उनका शरीर एडेप्टिव नहीं रहा होगा पहले से। तो हम ये देखेंगे, इसका स्टडी करेंगे कि वातावरण के अनुसार खुद को मेंटेन करने के लिए इनके बॉडी में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेप्टाइल्स के ओरिजिन का स्टडी करने पर यह देखा गया कि जो प्राइमेटिव रेप्टाइल्स हैं, यानी कि जो सबसे पहले रेप्टाइल्स थे, जिनके ओरिजिन पैलेजोइक ईरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में हुई थी, यह इम्पॉर्टेंट है। और रेप्टाइल्स के ओरिजिन एम्फीबिया से हुई है। रेप्टाइल्स फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जो लैंड में रहने के लिए पूरी तरह से एडेप्टिव थे। फर्स्ट रेप्टेलिया मिला, जिसे स्टेम रेप्टेलिया कहते हैं, जिसमें एम्फीबिया तथा रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर पाए गए। उसे कॉटिलोसोरिया ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है, जिसका नाम सिमोरिया था। आगे देखते हैं, एम्फीबिया की ओरिजिन की स्टडी किया, तब हमने देखा था कि फर्स्ट एम्फीबिया स्टेम एम्फीबिया, जिसे लिब्रेंथोडोंट कहते हैं। जब हमने ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया देखा था तो जो फर्स्ट एम्फीबिया था स्टेम एम्फीबिया, उसे लिब्रेंथोडोंट कहते हैं। और इस लिब्रेंथोडोंट में फिश एंड एम्फीबिया दोनों के कैरेक्टर थे। इसी लिब्रेंथोडोंट से कॉटिलोसोरिया की उत्पत्ति हुई और फिर इसी से सिमोरिया की ओरिजिन हुई। ये कॉटिलोस और सिमोरिया का स्ट्रक्चर है, आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। कॉटिलोस और सिमोरिया जो 250 मिलियन ईयर पूर्व टैक्सिस यूएसए शहर में पैलीजोइक ईरा में मिला था। इसमें एम्फीबिया तथा रेप्टेलिया दोनों के कैरेक्टर पाए गए या कैरेक्टर मिले। ये जो कॉटिलोसोरिया था सिमोरिया, उसमें एम्फीबिया और रेप्टेलिया दोनों के कैरेक्टर्स मिले। तो छठवां नंबर हम लोग देखते हैं एम्फीबिया के कैरेक्टर्स इन सिमोरिया। सिमोरिया में एम्फीबियन के क्या क्या कैरेक्टर पाए गए। अपर जॉ में प्लेट बोन प्रिमिटिव थी। लिब्रेंथाइन टीथ पाए गए सिमोरिया में। फेनेस्टा ओवेलिस लोअर में प्रेजेंट होती है, और ये क्या होती है, कोल्यूमेला बोन और इनर ईयर के बीच एक होल प्रेजेंट होता है, जिसे कोल्यूमेला बोन कहते हैं। फिर देखते हैं पेक्टोरल गार्डल हेड से सटा हुआ था, ये शो करता है कि ये एम्फीबियन कैरेक्टर हैं। हम लोग देखते हैं रेप्टाइल्स कैरेक्टर इन सिमोरिया। लिम्ब मिड वेंट्रली में ऑर्गेनाइज्ड है, जो इनके रेप्टाइल्स कैरेक्टर को शो करती है। एनाप्सिट एंड मोनोकॉन्डियलिक बोन होते हैं, जो रेप्टाइल्स कैरेक्टर शो करते हैं। पेल्विक गिर्डल सैक्रम वर्टिब्रा से अटैच्ड रहता है। नंबर ऑफ फेलेंजस पाया जाता है, जैसे कि हमारे हाथ और पैर की उंगलियाँ अलग अलग हैं, वैसे ही कैरेक्टर इनमें भी पाई गई और इनमें नाखून भी पाए गए। आठवां है एडेप्टिव रेडिएशन। लैंड में रहने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन हुआ, इसका स्टडी इसके अंतर्गत करेंगे हम। बॉडी में स्केल्स पाए गए, ग्लैंड्स पाई जाने लगी, जिससे बॉडी मॉइस्चर बना रहे ताकि वाटर का लॉस मत हो। एग एमनियोटिक यानी एग में लेयर पाई जाती थी। पीरियोडिक एग पाया जाना सिग्निफिकेंस है। पीरियोडिक एग ऐसा एग जिसके पास हार्ड सेल की कवरिंग सेल थी। ये फीडिंग के लिए लोकोमोशन किए तथा डिफरेंट प्लेस में गए और वहाँ के हिसाब से अडॉप्ट हो गए। फीडिंग के लिए ये एक जगह से दूसरे जगह गए
और उस जगह के हिसाब से ढल गए और अपने शरीर को भी इन्होंने ढाल लिया। 9th में देखेंगे रेडिएशन इन मीजोजोइक ईरा। मीजोजोइक ईरा में क्या क्या रेडिएशन हुआ। एनोप्सिट लाइन आर प्रेजेंट, सिनोप्सिट लाइन लाइन प्रेजेंट, यूरोप्सिट लाइन प्रेजेंट, पैरा पैरापसिडा लाइन प्रेजेंट। ये सब इनके हड्डियों में क्या क्या परिवर्तन हुए उसको यहाँ पे बताया गया है। 10th में हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी में हमने रेप्टाइल्स के ओरिजिन का स्टडी किया था। एम्फीबिया और रेप्टेल रेप्टाइल्स में जो जो कैरेक्टर्स मिलते थे उसका स्टडी किया तथा स्टेम रेप्टेलिया के कैरेक्टर्स का भी स्टडी किया। अब रिफ्रेंस है इसमें बाइनेट। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।